तो विजेंदर शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता इस पर शर्मा ने क्या कुछ कहा, विजेंदर सिंह ने आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से बीजेपी के उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह सर। अब तक आप आईएएस के तौर पर जाने जाते थे, आप एक पॉलिटिशियन के तौर पर देखे जाएंगे, किस प्रकार का जो रोड मैप आप आकर आपका आगे रहने वाला है? देखिए, आपने जो जिक्र किया, पहले प्रशासनिक सेवा में थे, अब राजनीति में कदम रखा है, दोनों का ध्येय तो एक ही है और वो है अपने लोगों की, अपने राज्य की और अपने देश की सेवा करना। सो यदि उस स्तर पे देखें तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन राजनीति जो है उसमें आपका लोगों से सीधा संवाद है और एक क्या बोलें उसको, अकाउंटेबिलिटी है जो हर कुछ साल बाद आपको उस पर खरा उतरना पड़ता है। सो उस हिसाब से ज़्यादा चैलेंजिंग है, उसमें संघर्ष ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है और जैसे मैंने बताया लोगों के प्रति जवाबदेही आपकी हमेशा बनी रहती है। सो मेरा प्रयास यही रहेगा कि यदि लोगों का स्नेह मुझे मिला और मुझे हिसार संसदीय क्षेत्र से अगर उन्होंने चुन के भेजा तो मैं अपने इलाके की जितनी समस्याएं हैं उनके लिए जितना बेहतर केंद्रीय सरकार से मैं अपने इलाके की सेवा के लिए उसमें जो भी फायदा पहुंचा सकूं उसका मैं प्रयास करूंगा और उसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उनके साथ हमेशा हमें जुड़े रहना चाहिए और उस हिसाब से मेरा मानना है कि एक सांसद के नाते आपका जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित ना रह के पूरे राष्ट्र तक उसकी पहुंच और उसकी सोच होनी चाहिए। अगर हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, 2014 में जो है बीजेपी यहाँ से सीट हार गई थी मोदी लहर के बावजूद, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और आपके सामने जो है मुख्य मुकाबले में या तो चौटाला परिवार के वहाँ से कोई ना कोई रहेगा या बिश्नोई परिवार के वहाँ से कोई ना कोई रहेगा, तो आप किस प्रकार से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि शायद ये उचित नहीं कहना कि बीजेपी वहाँ से आ रही थी, क्योंकि बीजेपी के साथ कुलदीप बिश्नोई जी अलायंस में थे और वो हारे थे। अगर डायरेक्ट बीजेपी का उम्मीदवार होता तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2014 में भी बीजेपी का उम्मीदवार हिसार से जीतता। जहाँ तक आपने कहा कि विपक्ष की तरफ से कौन आता है, वो उनके ऊपर है, चाहे कौन कैंडिडेट्स को उतारेंगे वहाँ पे, वो पार्टियों के ऊपर है, तो उसके बारे में मुझे कोई विशेष टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बीजेपी एक संगठित और सुदृढ़ पार्टी है और हम उसके दम पे मैदान में उतरे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिसार इस बार निसंदेह बहुत बड़े मार्जिन से बीजेपी के खाते में जाने वाली। आज पिताजी की बात की जाए आपके, चौधरी बीरेंद्र सिंह की, उन्होंने एक मिसाल सेट की है तमाम राजनीतिक दलों के लिए, उन्होंने जो है अपना इस्तीफे की पेशकश की है केंद्रीय आला कमान को, आपके लिए जो है विशेष जो है इस्तीफे की पेशकश की गई, आप किस प्रकार से देख रहे हैं उनके फैसले को? देखिए, बहुत गंभीर फैसला है और बहुत दूरगामी फैसला है। मुझे नहीं ध्यान पड़ता कि ऐसा कभी भी किसी ने किया हो पहले, कि सिर्फ ये आरोप कि वंशवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस आरोप को नकारने के लिए मेरे ख्याल से उन्होंने ये इस्तीफे की पेशकश की है और उनका फैसला है, हमारे सर माथे पर, हम पूरा उसका सम्मान करते हैं। और हाँ, उस वजह से जो जिम्मेवारी जो मुझ पे आती है मैं उसको समझ सकता हूँ, उसकी ग्रेविटी जो है उसको भी मैं समझ सकता हूँ और मैं उम्मीद रखूँगा कि मैं जो उन्होंने किया है, सिर्फ अभी नहीं, जो 47 साल का जो उनका राजनीतिक जीवन रहा है, मैं भी उसी को आगे बढ़ा सकूँ और कोशिश करूंगा कि शायद उनसे बेहतर कर सकूं। हरियाणा की राजनीति में कई परिवार अपनी विरासत को आगे लेकर चल रहे हैं, आप सर छोटू राम जी की विरासत को किस प्रकार से आगे लेकर जाएंगे? देखिए, सर छोटू राम जी की विरासत एक बहुत बड़ी विरासत है और वो सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, उसका तो यदि आप उसके स्वीप और स्प्रेड की बात करें तो बहुत बहुत बड़े क्षेत्र के जो खासतौर पर किसान और कमेरा वर्ग है उसके लिए था। और उसका 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 भाव, उसका अंदाज मुझे बचपन से रहा है और यही शायद एक बहुत बड़ा कारण रहा है जिस तरह से
हमारी शिक्षा दीक्षा हुई और जिस प्रकार के जो वैल्यूज हैं जो जो हमारे अंदर आई, जिस वजह से एक संयम में रहकर जीवन बिताने का प्रयास किया, एक बड़े संयम में रहकर मैंने अपनी प्रशासनिक सेवा भी दी और मुझे विश्वास है कि उस लेगेसी को या उस विरासत को, उस क्योंकि वो विरासत जो है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, वो बहुत एक सामाजिक विरासत भी है, एक शैक्षणिक विरासत भी है, उसमें बहुत बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना भी की गई थी, सो वो एक एक बहुत उसका उसका बड़ा रूप है और जिसको मैं बिल्कुल समझता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि मैं उसको जितनी मेरी काबिलियत है उस हिसाब से मैं काम करूँगा और उसको विरासत को ना तो धूमिल होने दूंगा ना उसको कम होने दूंगा, कोशिश करूंगा उसे आगे और ज्यादा बढ़ा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये थे हिसार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह, जिन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की। कैमरामैन चंचल के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली।